लोकसभा चुनाव में 15 साल के बाद कांग्रेस को झारखंड से 2 सांसद मिले हैं। इस जीत के बाद कांग्रेस ने दोनों निर्वाचित सांसदों सुखदेव भगत और कालीचरण मुंडा को सम्मानित किया है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि 2 से 3 जनरल सीटों पर हम जीत सकते थे, वहीं चुनाव परिणामों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही वैसे नेताओं को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई है। लोकसभा चुनाव में झारखंड से इंडी गठबंधन को 5 सीट पर जीत हासिल हुई। इसमें कांग्रेस के टिकट पर सुखदेव भगत और कालीचरण मुंडा चुनाव बड़े अंतर से जीते। इस परिणाम के बाद प्रदेश कांग्रेस ने दोनों सांसदों का अभिनंदन किया, जिसमें प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सहित अन्य मौजूद थे। इस दौरान प्रभारी ने दोनों को संविधान के पुस्तक भेंट कर दी और इसकी सुरक्षा करने की बात कही। साथ ही कहा कि इस परिणाम की समीक्षा होगी। अगर पूरी तरह हमारे गठबंधन को मेजॉरिटी नहीं मिली, मगर दूसरी तरफ से जो क्लेम एनडीए या भाजपा, जो उनके दावे थे 400 पार, उनके 400 पार दावे को भी और 272 के फिगर को भी देश की जनता ने चिकनाचूर कर दिया। कांग्रेस भवन में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि इस परिणाम से हम आगे की तैयारी की शुरुआत करेंगे। हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी है, जिसकी जो भूमिका और योगदान था उसका भी हम समीक्षा करेंगे। पूरे प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं, 56 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की बढ़ोतरी हुई है। ये अलग बात है कि कई जगहों पे हम 4,85,000, 4,74,000 से हारे थे, तो उसमें जरूर ये, लेकिन लोगों का सहयोग भरपूर मिला। कार्यकर्ताओं ने जो अपनी भूमिका थी उसको सही तरीके से निर्वहन किया। हाँ, बहुत सारी कमियां रही हैं, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है और लगातार आदरणीय प्रभारी हमारे गुलाम मोहम्मद मीर साहब सभी लोगों से टच में हैं। लंबे समय के बाद कांग्रेस ने खूंटी लोहरदगा में लोकसभा चुनाव जीता है। ये जीत कांग्रेस के लिए साधारण दिखती है, मगर ये है एक बड़ी जीत, क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव में झारखंड में ये कांग्रेस के अस्तित्व को बचाए रखने वाली लड़ाई मानी जा रही थी। कैमरामैन गुड्डू के साथ न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।